की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। मोदी को हटाने के लिए विपक्ष मुस्लिम वोटों को लामबंद करना चाहता है। बंगाल में ममता शाहजहां को बचाकर संदेश देना चाहती है, तो कर्नाटक में कांग्रेस मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण बांट रही है। इधर यूपी में अखिलेश माफिया का साथ लेने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरोप मोदी पर लगा रहे हैं कि वो चुनाव में ध्रुवीकरण कर रहे हैं। मोदी जी ने वो फिर से वही बात, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई रोजगार गरीबी किसान महंगाई इन पे बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ बात करना आता उनको? वो केवल समाज में जहर बोना यही उनका काम है। उनके भाषणों में रुझान दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, और हारने वाला क्या ना करे, हारने वाला छटपटाता है। बीजेपी की कोई चाल चलने वाली नहीं है। जातिवाद पर क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। तय आपको करना है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस के साथ जाना है या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाना है। बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति का ठप्पा लगाने वाली ये तिकड़ी अब योगी के रडार पर है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे व्यापारी और बेटी को सुरक्षा देंगे, और ये लोग जो आतंकवादियों के और माफियाओं के लिए फतिया पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, इनको 5 साल के लिए फिर से कहे कि जाओ भाई आप फतिया ही पढ़िए, हमें देश को आगे बढ़ाने दीजिए। मोदी योगी सबका साथ वाले नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दो चरण के चुनाव के बाद कौन आगे कौन पीछे इसे लेकर आकलन लग रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे जीत की कोशिश हो रही है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की अनदेखी, क्या विपक्ष की ये तुष्टीकरण वाली दोधारी तलवार है जो उसी के सियासी सपने को भी काट सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दूसरे चरण के चुनाव के बाद हर घर में ये चर्चा हो रही है कि क्या नरेंद्र मोदी रिटर्न्स हो रहा है, क्या विपक्ष को वोट मिल रहे हैं, या फिर एक हड़कंप मचा हुआ है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ सैयद जवाद साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। असगर खान साहब वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे साथ सुनील सिंह साजन जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं शुरुआत एक बार जरा इस राजनीतिक टिप्पणी से ले रही हूँ, क्योंकि जो मुद्दे इस वक्त हावी हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर हावी हैं, और उस पर आज बहुत सी आवाजें जो कि जिनको लोग सुनना चाहते हैं उनसे ही पूछूंगी कि क्या मुद्दे ये इस चुनाव में हावी हो रहे हैं। लेकिन पहले मैं सबसे पहले शिवम और सुनील जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, बस एक मिनट के अंदर शुरुआत में पहले शिवम आप बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी आगे हैं दो चरण के चुनाव के बाद, क्यों ये संकेत माने? एक एक मिनट आप दोनों को दूंगी, उसके बाद मैं स्टूडियो में आऊंगी। पहले शिवम आपके साथ, क्या संकेत है कि नरेंद्र मोदी रिटर्न्स हो रहा है? सुचारिता जी, घमंडिया अलायंस पहले चरण में पस्त, दूसरे में ध्वस्त और तीसरे में समाप्त, समस्त सियावर रामचंद्र की जय। हालात जो इनके हैं, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से अपने ऑर्थोडॉक्स राजनीति पर पहुंच गए हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप मुख्तार अंसारी के फतेहे में हैं, आप अगर बंगाल में हैं तो आप शाहजहां शेख के घर में हैं, जहां पर बम बारूद और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, इतनी गन है हमें तो नाम ही नहीं पता उनका। आप अगर कर्नाटका में हैं तो सारे मुस्लिमों को जो है सिर्फ आरक्षण मिलेगा, आप अगर तेलंगाना में हैं तो आपको 4% आरक्षण मिलेगा। इसी तरीके से हिंदुस्तान में सभी वोटर्स को, सभी लोगों को ध्वस्त कर बस एक ही सिर्फ नारा है, तुष्टिकरण तुष्टिकरण तुष्टिकरण। हमें जहां भी जाना है बस मुसलमानों का वोट पाना है, इसके अलावा कौन कहां है, क्या है, कैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे चुनाव के बाद अपना जो इनका एक स्टैंडर्ड स्टाइल हुआ करता था ऑफ पॉलिटिक्स, वो आज तक उसी पर आ गए हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि दो चरण आते आते हालात उनके खराब हैं, सीटों पर कैंडिडेट्स नहीं है, जहां कैंडिडेट्स हैं। शुरुआती ओपनिंग के कमेंट जा रही हूं, क्योंकि हर घर में ये चर्चा हो रही है, समाप्त हो जाएगी। सुनील जी के पास जा रही हूं, कोशिश ये है ये समझाने की इंडिया गठबंधन क्या चुनाव जीत रहा है। सुनील जी एक मिनट आपको भी दूंगी, क्या संकेत लग रहे हैं, क्यों आप कहेंगे कि आप आगे हैं? सुनील जी देखिए, सुचारिता जी मुझे लगता है कि मैं एक मिनट में यह समझा सकता हूं कि
कि इंडिया को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, और ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है, देश के पिछड़े दलितों के आरक्षण को बचाने की है, ये लड़ाई महंगाई के खिलाफ है, ये लड़ाई बेकारी और बेरोजगारी के खिलाफ है, ये लड़ाई देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे उसके खिलाफ है, ये लड़ाई जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहकर के आए थे और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए हैं, जो अपने आप को हरिश्चंद्र कहकर आए थे सबसे ज्यादा झूठे बन गए हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि देश चीजों को नहीं समझ रहे। देखिए, हम आप भले कम समझते हो राजनीतिक लोग और पत्रकार साथी, हमको आपको लगता है कि सब कुछ हम ही समझ रहे हैं, लेकिन असली समझ लोकतंत्र की इस देश के किसानों में है, जो किसान इनसे नाराज है, देश के बेरोजगार नौजवानों में है जो उनसे नाराज है, इनकी भाषा देख लीजिए, इनकी भाषा बता रही है कि ये हार रहे हैं। ठीक है सुनील जी, मेरी कोशिश ये थी कि आप दोनों, क्योंकि पार्टी के आपने अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ये बताएं कि संकेत क्या मिले हैं दूसरे चरण के बाद। अब जो बातें रखी गई हैं वो बातें वही हैं जो आरोप लगाए गए हैं चुनावी प्रचार में, लेकिन मैं संकेतों की बात कर रही हूं क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा है दो चरण की वोटिंग के बाद वोटर किस तरफ गया है। मैं इसीलिए स्टूडियो में आ रही हूं और अश्विनी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, मुझे ये बताइए कि तुष्टिकरण वाला जो एक आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया है, क्या वोटर समझ रहा है कर्नाटक में पूरा मुस्लिम वर्ग उसको ओबीसी में डालना? वहीं एक तरफ जिस तरह से शाहजहां शेख का एक तरफ प्रोटेक्शन करा जा रहा है कि एनएसजी पर सवाल उठा दिए गए, ये तुष्टिकरण कह रहे हैं प्रधानमंत्री, कह रहे दोनों की सेटिंग है, तुष्टिकरण करो ऐसे ही वोट पाएंगे मोदी के खिलाफ। नहीं, तुष्टिकरण की पूरी सीरीज है। शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर नहीं होता, अलग से बाकायदा रिजर्वेशन में चोरी होती है, जो एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और मुस्लिम, जिसको मुस्लिम कह सकते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन अगर आप इतिहास उठा के देखें, सबसे पहले आर्टिकल 35 या 370 किसने जोड़ा था संविधान में? नेहरू जी ने। किस लिए? तुष्टिकरण के लिए। 1954 में वक्फ एक्ट बनाया नेहरू जी ने, किसके लिए? तुष्टिकरण के लिए, केवल मुस्लिम्स के लिए बनाया और किसी के लिए नहीं, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, उसमें ज्यादातर कानून किसके लिए हैं? केवल और केवल तुष्टिकरण के लिए, क्योंकि मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून, मजार दरगाह मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं, ये किसके लिए? तुष्टिकरण के लिए। 1984 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया, बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक साथ बने थे, बीएचयू को मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, किसने दिया? इंदिरा जी ने। 1985 में राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट को बदला, उसमें सेक्शन 6 से जोड़ दिया और असम के 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया, क्यों किया? तुष्टिकरण के लिए। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और बाबर हुमायूं तुगलक गजनी गोरी के जो इलीगल काम थे उनको लीगलाइज कर दिया, जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं, जो जिन मंदिरों का वर्णन हमारे वेद पुराण गीता रामायण में है, उन मंदिरों को जो ढांचा तोड़ा गया था उसको लीगलाइज कर दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण। उसके कारण यह हो रहा है कि काशी मथुरा भद्रकाली भोशाला अटाला और भी ऐसे जितने हमारे प्रमुख मंदिर हैं उसके ये कह दिया गया कानून बना के कि आप इसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जाओगे। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया गया, किस लिए? तुष्टिकरण के लिए। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया गया, जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, किस लिए? तुष्टिकरण के लिए। 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के मदरसों को बाहर कर दिया गया, किस लिए? तुष्टिकरण के लिए। राम को नकारा गया तुष्टिकरण के लिए, कृष्ण को नकारा जा रहा है तुष्टिकरण के लिए, जो हम जिन और गुलामी के नाम को आप ये कह रहे हैं अश्विनी जी कि जब से आजादी के बाद से इतने कदम उठा लिए गए, मैं जवाब साहब आपके पास आ रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इतने कदम उठा लिए तब तुष्टिकरण नहीं था, तब सरकार काम कर रही थी तब तुष्टिकरण नहीं था, लेकिन आज जब वो सवाल उठाए जाएंगे फिर से, याद दिलाया जाएगा कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा, तो फिर आप कहेंगे तो पोलराइजेशन कर रहे हैं। जवाब साहब देखिए, भारतीय जनता